इस महीने के अंदर वन पीस इतना चल रहा है कि जो बाकी ऑनगोइंग एनिमे चल रहे हैं उनके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। जैसे इस मंथ के अंदर रेंट अ गर्लफ्रेंड का सीजन 3 हो गया, ब्लीच का सेकंड सीजन का सेकंड पार्ट हो गया, माय हैप्पी मैरिज, बोनगो स्ट्रे डॉग का नया सीजन हो गया, होरिमिया का नया सीजन हो गया, इनके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा। और साथ साथ जॉब मंडेड ऐसे नए नए टाइप के एनिमे आए हैं। बाकी एनिमे के बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। तो चलो आज मैं बात करने वाला हूँ जॉब मंडेड इस वाले एनिमे के बारे में। जॉब मंडेड एक ऐसा जॉम्बी वाला एनिमे जिसके मेन कैरेक्टर से कुछ ज्यादा अटैच हो जाते हो या उससे कुछ ज्यादा रिलेट करने लग जाते हो। कहने को तो ये वाला एनिमे एक जॉम्बी एपोकलिप्स वाला एनिमे है, लेकिन ये वाला एनिमे बाकी जॉम्बी एनिमे से काफी ज्यादा डिफरेंट है। एनिमे के स्टार्टिंग में ही हम हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जिसने रिसेंट में ही बहुत बड़े वाले कंपनी के अंदर जॉब ज्वाइन करा हुआ रहता है। जॉब के स्टार्टिंग के दिनों में ही अपना मेन प्रोटैगनिस्ट को ज्यादा खुश रहता है। वो तो बोलता है अब तो मेरी जॉब लग चुकी है, अब तो मैं दुनिया भर की चीजें कर दूंगा, मैं तो तबाही मचा दूंगा। लेकिन जब जॉब के पहले दिन अपना मेन प्रोटैगनिस्ट अपने जॉब पर जाता है उसके बाद सीधा अपना मेन प्रोटैगनिस्ट 2 दिन बाद ही जा पाता है। भाई साहब 2 दिन लगातार अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को दिन रात काम करना पड़ता है, उसके बाद तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसको लगता है कि ये जॉब मैं क्यों ही कर रहा हूँ। उस दिन के बाद से अपने मेन प्रोटैगनिस्ट का डेली यही रूटीन बन जाता है। वो हर दिन जॉब पर जाता है, हर दिन भाई पूरा का पूरा वो काम करके एग्जॉस्ट हो जाता है। उससे इतना ज्यादा काम करवाया जाता था कि वो दिन भर काम करने के बाद भी उसका काम कभी खत्म नहीं होता था, जिसकी वजह से अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को रात में वही सोना पड़ता था और वो सुबह उठ के फिर से वही काम दोबारा करता था। जॉब लगने के बाद में अपनी मेन प्रोटैगनिस्ट की लाइफ बिल्कुल ऐसी बन चुकी थी, वो डेली वही सेम चीजें करता था और वही चीजें करते करते पूरा एग्जॉस्ट हो जाता था। फिर एक दिन अपना मेन प्रोटैगनिस्ट अपने जॉब से घर आता है और एकदम से सो जाता है और सुबह उठ के वो देखता है कि उसको काफी ज्यादा लेट हो चुका है अपने जॉब पर जाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपनी खिड़की से बाहर जाके देखता है तो उसको ढेर सारे ज़ॉम्बीज देखते हैं। उसके बाद अपने ऑफिस भी चला जाता है और देखता है कि वहाँ के सारे लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। इस वाले सिचुएशन में अगर कोई और बंदा होता तो वो एकदम से सदमे में चला जाता। वो बोलता है कि यार आजू बाजू इतने सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे और ये सारे के सारे ज़ॉम्बी ऐसे लग रहे थे कि इन लोगों ने अभी अभी होली खेल के आए हो, सारे के सारे रंग बिरंगी लग रहे थे। इस वाले सिचुएशन में आने के बाद में अपना मेन प्रोटैगनिस्ट को ज्यादा पॉजिटिव सोचने लग जाता है। वो बोलता है कि इतने सालों बाद मेरी छुट्टियां लगी, अब तो वही टाइम है एंजॉय करने का, अभी मेरे को कोई भी रोकने वाला नहीं है, ना ही मेरा जॉब बचा है। इसके बाद में अपना मेन प्रोटैगनिस्ट इतना ज्यादा खुश हो जाता है, वो बोलता है कि मेरी अभी अनलिमिटेड छुट्टियां लग चुकी है, अब मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं बचा है। उस दिन के बाद से अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के लाइफ का एक ही गोल बन जाता है। वो बोलता है कि इस वाले लाइफ के अंदर मैंने जो जो चीजें नहीं करी वो सारी की सारी चीजें मुझे ज़ॉम्बी बनने से पहले करनी है। उसके बाद में अपना मेन प्रोटैगनिस्ट अपनी एक पूरी की पूरी लिस्ट बना लेता है। वहां पर उसने लिखा रहता है कि उसको ज़ॉम्बी बनने से पहले क्या क्या चीजें करनी है और इसी चीजों के अराउंड अपना पूरा का पूरा एनिमे का प्लॉट चलता है, जहाँ पर अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को नए नए लोग मिलते हैं, नए नए सर्वाइवल्स मिलते हैं। उसके बाद से उसके लिस्ट के अंदर नई नई चीजें ऐड होती रहती है। इस वाले एनिमे का एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छा और इसके अंदर आपको ठीक ठाक कॉमेडी देखने को मिल जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप इस वाले एनिमे के एपिसोड देखते हो वैसे वैसे आपको लगता है कि हर एपिसोड के अंदर आपको नई स्टोरी देखने को मिल रही हो। पता नहीं आपको ये वाला एनिमे देखने के बाद में लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन मुझे तो लगता था कि हर एपिसोड के अंदर मुझे नई स्टोरी देखने को मिल रही हो। शायद से अपने मेन प्रोटैगनिस्ट की विशेष अलग अलग है इसलिए शायद से स्टोरी भी नई नहीं लग रही हो। ओवरऑल ये वाला एनिमे काफी ज्यादा अच्छा है, इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके साथ वो रिलेट कर पाते इसलिए शायद से आपको ये अच्छा लगेगा। इस वाले एनिमे की जो एनिमेशन स्टाइल है ना मुझे काफी ज्यादा पसंद आ गई थी, खास करके इसके अंदर के ज़ॉम्बीज जो कि देखने के लिए डरावने बिल्कुल भी नहीं लगते। उनको तो ऐसा लगता है कि भाई साहब सारे के सारे होली खेल के आ रहे हो, सारे के सारे रंग बिरंगे लग रहे थे। तो अगर आप भी कोई न्यू एनिमे के तलाश में हो तो आपको ये वाला एनिमे डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए।